आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ जंग को आगाज कर दिया है। भारत की सीमा में पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को घुसाकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। कारगिल में जिस तरह से चूहे बनकर दबे पांव पाकिस्तान ने अपनी सेना को घुसाया, ठीक उसी तरह से जम्मू में पाकिस्तान फिर एक बार ऐसा ही कर रहा है। एसएसजी कमांडो के साथ पाकिस्तान ने अपनी बैट फोर्स को एक्टिव कर दिया है। बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट एवलूसी हरकत पे आ गई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान भारत के अंदर अपने आतंकियों के ठुसने के बाद बड़े आतंकी हमले अंजाम देने के फिराक में है। बता दें कि पाकिस्तान की बैट फोर्स यानी पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर की जवान एक्शन टीम एक वो टीम है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाने के लिए करता है। इस फोर्स के अंदर ना कि सिर्फ पाकिस्तानी सेना ही मौजूद होते हैं बल्कि आतंकी भी मौजूद होते हैं, ताकि अगर वो दूसरे देशों में पकड़े जाने पर यह मारे जाएं तो इसका दावा पाकिस्तान पर थोपा जाएगा। पाकिस्तान सेना के जवान या फिर पाकिस्तान के नागरिक है तो पाकिस्तान बहुत आसानी से झूठ ला सके। ये वो लोग होते हैं जिसका पाकिस्तान सेना कभी प्लेन नहीं करती है और इन्हीं लोगों को आसानी से आतंकी बनाकर दूसरे लोगों देशों में दाखिल कराता है। कारगिल में भी ऐसा ही हुआ। अब पाकिस्तान में बैट को फिर से शक्तियां दे दी है। एलओसी पर बड़े हमले के साजिश के तहत बैट फोर्स को एक्शन मोड पर लाया गया है। कुपवाड़ा में हाल ही 8 संदिग्धों की मौजूदगी का पता चला था। कुपवाड़ा में भारतीय सेना की मुठभेड़ इन्हीं आतंकियों के साथ हुई और जब हुई तो ये बात सामने आई कि किस तरीके से 8 आतंकी पाकिस्तान की इसी बैट फोर्स की कोशिश का साबूत था। इस कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान को लेकर सीमा नियंत्रण रेखा पर जिस तरीके से तनाव बढ़ा है उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार विवाद फैला रहा है। पाकिस्तान ने अपनी सेना को भारतीय सीमा पर घुसाकर जंग आगाज कर दिया है। अब जवाबी कार्रवाई का वक्त और जगह भारत तय करेगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।